हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आज के इस नई वीडियो में। तो आज हम जिस SCP के बारे में बात करने वाले हैं, उस SCP का नाम है SCP-3707, जिसे फ्लाई बाय नाइट ओनली के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ये एक यूक्लिड क्लास ऑब्जेक्ट है। तो चलिए फिर जान लेते हैं SCP-3707 के बारे में। SCP-3707 दरअसल ये एक कार है जिसका नाम है टोयोटा कैमरी, जो कि 2002 का मॉडल है, जिसके ऊपर मिनेसोटा प्लेट्स लगी हुई है। इसकी एनिमलस प्रॉपर्टीज तभी देखी जा सकती है जब केवल एक इंसान रात के 12 से 3 बजे के बीच में इस कार को ड्राइव करता है। जब कोई व्यक्ति इस कार को ड्राइव करता है तो उसे मजबूरी होने लगती है कि वो अपने घर से इस कार को दूर से दूर ले जाए। हालांकि उस व्यक्ति को ये कंफर्म नहीं होता कि उसे कहां पे जाना है। इस मजबूरी के उठने के एक घंटे बाद ही SCP-3707 और उसका ऑक्यूपेंट अचानक से गायब हो जाएगा। जबकि इस घटना के बाद SCP-3707 को उस घटना की जगह से 805 किलोमीटर दूर वीरान पाया जाएगा किसी सड़क के कोने पर, जबकि उस जगह पे कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं होगा। हालांकि जो व्यक्ति गायब हुआ है उसके पहचानने वाले को भी उसका कोई भी अफसोस नहीं होगा, और यहाँ तक कि वो लोग पुलिस कंप्लेंट भी नहीं करेंगे। हालांकि उस व्यक्ति के जानने वाले सिर्फ इतना ही बताते हैं कि हम उस व्यक्ति के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, और इसके आगे वो लोग कुछ भी नहीं बताते। इस घटना के होने के मात्र एक हफ्ते बाद ही वो व्यक्ति जो कि गायब हुआ है उसकी जगह कोई और ले लेता है। यानी कि चाहे वो रिलेशनशिप हो, ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स हो या फिर ग्रुप्स हो, उन सब के अंदर कोई और इंडिविजुअल आ जाता है जिसको उस व्यक्ति के जानने वाले इतना नोटिस भी नहीं कर पाते। बाद में उस व्यक्ति के जानने वाले अपने नॉर्मल रूटीन में बिजी होने लग जाते हैं, और उस व्यक्ति के गायब होने के 3 महीने बाद ऐसा लगता है कि वो लोग उसे भूल ही चुके हैं। हालांकि उस सब्जेक्ट के बारे में याद दिला के उन्हें वापस सोचने पे मजबूर किया जा सकता है। तो SCP-3707 हमेशा ही अपने कंटेनमेंट साइट से डिसअपीयर हो जाता है, और हर हफ्ते एक नया वाहन बरामद होता है उसी एनोमलस प्रॉपर्टीज के साथ, और ऐसा लगभग 4 बार हो चुका है। SCP-3707 को साइट 81 मोटर पुल के अंदर रखा गया है, और उसे टाइम टू टाइम मेंटेन भी किया जाता है ताकि उसे ड्राइव किया जा सके। तो दोस्तों, बस यही थी आज की इस कहानी SCP-3707 के बारे में। तो चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।